What's up everyone, welcome back to new vlog. Guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आम के बारे में, मतलब के मैंगोज के बारे में। तो यार गर्मियां शुरू हो गई है और इधर देखो उधर देखो हर तरफ आम ही आम नजर आते हैं और मुझे हर तरफ से सवाल आते हैं आम से रिलेटेड कि सर हम तो आम खाएंगे, आप वेट उतार के दो। कोई पूछता है कि सर क्या सच में आम खाने से वेट बढ़ता है, फला फला फला, हजारों सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो ही बना देता हूं। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको आम के बेनिफिट्स बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि आम को कब खाना चाहिए, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आम खा के भी आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंगोज के बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला बेनिफिट, रिच इन प्रोएक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यह सही सुना आपने गाइस, आम में बहुत सारे प्रोएक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें मेन दो है, गैलाटोनिन एंड मैग्नीफेरिन। गाइस ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देते हैं और हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स है उसे भी रिमूव करते हैं। दूसरा बेनिफिट में एड डाइजेशन। 2018 में एक पायलट स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों को जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था उनको आम खिलाए गए कुछ हफ्तों तक, और रिजल्ट्स काफी चौंका देने वाले थे। उन लोगों को काफी फायदा हुआ है आम खाने से। आम में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है। तीसरा बेनिफिट फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन। तो गाइस आम में विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। अब ये दोनों विटामिन्स ऐसे विटामिन्स हैं जो कोलाजन फॉर्मेशन में भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। और विटामिन सी की बात करें तो हमें पता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आयरन एब्जॉर्प्शन में भी काफी अहम भूमिका निभाता है विटामिन सी, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो विटामिन सी हमारे हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। अब विटामिन ए की बात करें तो वो भी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है हमारे बॉडी के सारे सेल जो होते हैं उनके ग्रोथ के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। इवन हमारे स्किन के सेल, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए जरूरी है। और विटामिन ए का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को बताऊं तो वो सीबम के प्रोडक्शन में काफी मेन अहम भूमिका निभाता है। अब सीबम क्या होता है? सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारे स्किन और हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइज रखता है, मॉइस्चर रखता है। साथ ही साथ हमारी आई हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैरोटेनॉइड्स होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट गाइस, तो ये तो बात हो गई आम के बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं कि क्या आम खाने से सच में वेट बढ़ता है। तो गाइस ध्यान से कान खोल के सुन लो, आम मैंगोज सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, फैट फ्री होते हैं और हाई फाइबर होते हैं, मतलब कि हम कम खा के भी हमारा पेट जल्दी फुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक आम खाते हो एक कम हो जाएगा, तीन आम लेते हैं इतनी साइज के, अगर तीन आम अगर आप खाते हो तो उसमें तकरीबन 350 के करीब कैलोरीज होगी, मतलब कि बहुत ही लो कैलोरी फूड है। तो वेट बढ़ता कैसे है, वेट बढ़ता कैसे मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। हम क्या करते हैं, पहले तो हम पेट भर के खाना खाएंगे, 300 400 500 कैलोरीज ऑलरेडी खा चुके हैं, फिर ठंडे ठंडे आम फ्रिज में से निकालेंगे और फिर और 300 400 कैलोरीज वो खाएंगे, तो वेट ऐसे बढ़ता है। और हम दोष देते हैं कि आम से वेट बढ़ा, आम से वेट नहीं बढ़ता है। वेट लॉस और वेट गेन का सिंपल फॉर्मूला है कैलोरी, कितनी खाते हो और कितनी जलाते हो, सिंपल बात। तो अब बात करते हैं कि आम को कैसे खाना चाहिए। तो गाइस देखिए, तीन आम आप खा सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, तीन आम में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 350-400 के बीच में कैलोरीज होगी, तो हमें अगर तीन आम खाने हैं तो हमें हमारा मील स्किप करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल बात है, हमारा दिन का मान लो कि हम 3000 कैलोरी खा रहे हैं, तो हमें वो 3000 ही लेनी है, उसमें तुम 360-400 कैलोरी मील के हटा दोगे तो वही कैलोरी के बदले तुम आम खा लो, सिंपल बात। समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा हमें खाना है तो कुछ तो कट करना पड़ेगा। जैसे चीट मील वाले में भी मैंने यही फंडा आपको समझाया था कि अगर ज्यादा खा लिया तो दूसरे दिन फिर वो कैलोरी को हमें स्टॉक करना पड़ेगा, तभी वो वीकली कैलोरी एवरेज बैठेगी। ऑलराइट गाइस, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग पूछो कि बेस्ट टाइम आम खाने का कौन सा है, तो मैं आप लोगों को दो टाइम बता सकता हूँ। एक है वर्कआउट करने जाओ उससे पहले, या फिर वर्कआउट करने के बाद, तब हमारा मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है।
तो हम अगर आम खाते भी हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे दिल खोल के दुआएं देने वाले हो, क्योंकि मैंने अब आम खाने के रास्ते और आपको रीजन भी बता दिए हैं। तो जी भर के आम खाइए, लेकिन क्या नहीं खाना है वो आप लोगों को पता है। आम खाना है तो कुछ चीजें हटानी पड़ेगी। ऑलराइट, और देखो हर चीज का तोड़ है भाई के पास। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ या खा पा रही हूँ, वेट बढ़ जाएगा, तो मुझे बताइए, मैं उसका हल निकाल के दूंगा आप लोगों को। तो ऑलराइट गाइस, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।